नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों को नहीं मान रहे उन्हीं की पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य कोरोना नियमों की उड़ा रहे हैं खुलेआम धज्जियां। उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने किया माधव नगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मृत्यु की खबर का खंडन, कहा खबर पूरी तरह से गलत और भ्रामक। इसी थाने के पीएसआई ने नशे की हालत में चलाई गाड़ी, पूरे बाजार में लापरवाही से गाड़ी चलाने से लोगों के मन में बैठा डर। और ग्राम निम्बोधिया तहसील जावरा जिले के रतलाम में अवैध भूमि अधिग्रहण मामले में भू माफियाओं का आतंक, अभी तक किया हुआ है भूमि पर कब्जा। आइए अब आपको बताते हैं खबरें विस्तार से। खबर ललितपुर से है, जहां पर प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों का पालन बीजेपी के जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ही नहीं मान रहे हैं। पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जिला पंचायत से जब पूछा गया तो उन्होंने चुनाव का बहाना बनाकर अपने आप को कोरोना गाइडलाइन से पूरी तरह से अलग कर लिया। उज्जैन के माधव नगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मृत्यु की खबर का खंडन करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी दी कि माधव नगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मृत्यु की खबर पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। बता दें कि अस्पताल में लगभग 132 मरीजों के उपचार में से 100 से अधिक मरीज ऑक्सीजन पर निर्भर होकर इलाज कर रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि माधव नगर अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 1 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद नहीं हुई है। साथ ही साथ उन्होंने अपील की है कि इस प्रकार की भ्रामक तथा जनता में डर उत्पन्न करने वाली खबरों को सोशल मीडिया पर चलाने से पहले तथ्यों की जांच अवश्य कर लें। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की अफवाहें सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करेगा तो उसके विरुद्ध धारा 188 तथा महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा। माधव नगर अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से 5 लोगों के मृत्यु होने की एक भ्रामक खबर या अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। ये खबर पूरी तरीके से गलत है, ये एक अफवाह है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माधव नगर अस्पताल में पूरी की पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई एक सेंट्रलाइज लाइन के माध्यम से करी जाती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती तो सारे मरीजों को एक साथ प्रभाव पड़ता, ऐसा नहीं है कि कुछ ही मरीज उससे प्रभावित होते। पिछले 24 घंटे में या उससे पहले कभी भी 1 सेकंड के लिए भी माधव नगर अस्पताल की जो ऑक्सीजन की लाइन है उसकी आपूर्ति में 1 सेकंड के लिए भी बाधा नहीं आई है, ना ही पिछले 24 घंटे में या उससे पहले कभी ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान मत दें और अगर सोशल मीडिया पे इस प्रकार की कोई अफवाहें फैलाता पाया गया, डर अनावश्यक का जनता के बीच में फैलाता पाया गया, तो उसके खिलाफ न केवल धारा 188 में बल्कि महामारी एक्ट में भी प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। अरावली जिले के मेघराज तालुका में इसरी पुलिस थाने के पीएसआई ने शराब के नशे में 112 नए वाहन चलाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसके बाद लोगों ने पीएसआई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर अरावली जिला पुलिस अधीक्षक संजय खरात ने इसरी पीएसआई के खिलाफ कार्रवाई की। तहसील जावरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम निम्बोधिया में भू माफियाओं का आतंक बरपा हुआ है। यहां पर उन्होंने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा जमा लिया। तहसील टप्पा बड़ा बदा में पिछले 2 से 3 महीने से इस पर केस चल रहा है, लेकिन सिर्फ तारीख पर तारीख ही मिल रही है। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय मदन सिंह राजपूत ने अपने हिस्से की जमीन स्कूल बनाने के लिए दान में दी थी, लेकिन भू माफियाओं ने बची हुई जमीन पर अवैध तरीके से अपना कब्जा जमा रखा है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। नमस्कार।